खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। जौनपुर जलालपुर फ्रेंचाइजी कार्यालय जलालपुर में 1 करोड़ से अधिक का व्यवसाय हासिल करने के उपलक्ष्य में फ्रेंचाइजी कार्यालय जलालपुर के फ्रेंचाइजी मैनेजर ओपी मौर्य ने अपने पूरे स्टाफ और जलालपुर क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता साथियों को उनके द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयास के लिए गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी कार्यकर्ता साथियों का सम्मान करने के साथ सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इस दौरान जौनपुर से चलकर आए जोनल व सेक्टर कार्यालयों के प्रबंधकों ने कार्यकर्ता साथियों का उत्साहवर्धन करते हुए 2.5 करोड़ का बिजनेस प्राप्त करने का लक्ष्य सभी के सामने रखते हुए कहा कि निश्चय ही आप लोग जिस गति से कार्य कर रहे हैं इस लक्ष्य को भी तय समय पर प्राप्त कर लेंगे। विदित हो कि सहारा इंडिया परिवार विपरीत परिस्थितियों में तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने ग्राहकों का भरोसा कायम करते हुए अनवरत रूप से कार्य करती चली आ रही। इन्हीं परिघटनाओं के फलस्वरूप कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे जोनल व सेक्टर प्रबंधक ने कहा कि शीघ्र ही यह समय गुजरने वाला है, पुनः हम लोग द्रुत गति से कार्य करते हुए सफलता के शीर्ष को प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में अच्छा कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्रम भेंट करके व उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जलालपुर क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं सहित जनपद के विभिन्न जगहों से आए कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। सम्माननीय रीजनल कोऑर्डिनेटर महोदय, यहाँ पर उपस्थित कार्यालय साथियों, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशनुमा माहौल भी है, और वो भी क्यों ना आपकी फ्रेंचाइजी भी ओपी मौर्य का आप सभी लोगों की तरफ से हृदय से आभार धन्यवाद। जितनी भी एक बार जोरदार तालियों के लिए भी आप सभी फ्रेंचाइजी जो है करोड़पति होने का गौरव प्राप्त कर दिया है, इसके लिए तहे दिल से आभार एवं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जो है हम लोगों को जो है एनआई करने का सुधारा अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उस समय जो है हम लोग एनआई नहीं कर पा रहे थे, तो मेंबरशिप कट रहा था। 15 दिन के बाद जो गया है काले में घास जम गया, उसका फोटो वायरल किया था, ऐसी स्थिति हुई है। लेकिन यहाँ सहारा इंडिया परिवार अगर मजबूत नहीं होती, सरकार के जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं करती, तो निश्चित रूप से आज न हम लोग होते यहाँ, न ये मीटिंग होती। तो ये मानना होगा संस्था बहुत मजबूत है 2012 से, जिसके पीछे जो है हिंदुस्तान की सारी अथॉरिटियाँ, चाहे वो इनकम टैक्स विभाग हो, RBI हो, ED हो, RDA हो, सारे लोग सेवी हो लगे हुए हैं, जबरदस्त लगे हुए हैं। इसके बाद भी आप चले सुने होंगे महाभारत में जब कर्ण जो है बाण मारता था तो रथ जो है वो दो हाथ पीछे जाता था, और जब अर्जुन जी मारते थे तो कई कई किलोमीटर तक पीछे जाता था, लेकिन जब दो हाथ पीछे जाता था तो श्री कृष्ण जी बड़ी प्रशंसा करते थे। तो अर्जुन जी पूछे कि प्रशंसा आप क्यों कर रहे हैं, वो दो हाथ जा रहा है और जब मैं मारता हूं तो कई किलोमीटर पीछे जाता है। उन्होंने कहा नहीं, प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपके रथ पर हनुमान जी और पूरा लोड नहीं होता तो आप कहां जाते हैं पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब है कि ये अगर लोड नहीं होता, इन प्रशासनिक जो ताकत लगी हुई है संस्था के लिए, तो आज संस्था किस मुकाम पे जाती इसकी कल्पना करना बहुत ही नामुमकिन। इसके बाद भी संस्था अनवरत चल रही है। लोग कहते हैं भुगतान नहीं होता है, भुगतान भी होता है। रीजन की बात देखी जाए तो कम से कम कुछ नहीं 10 और 12 करोड़ का भुगतान हर महीने में होता है। इनकम की बात देखी जाए तो आज की डेट में भी जो कार्यकर्ता साथी लगे हुए हैं मिला है, और आप लोगों का मार्गदर्शन मिला है, इतना अच्छा कि